खरगोन शहर के अति व्यस्ततम बावड़ी बस स्टैंड पर बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्राले चालक ने एक्सल वाहन चालक को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक चालक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरी दादी पोती को रोनते हुए भाग निकला। हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। वहीं वाहन चला रहा युवक सुरक्षित बच गया, लेकिन अपनी पत्नी और पोती की दर्दनाक मौत देख वह बदहवास हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को जिला अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान करीब आधे घंटे तक क्षेत्र में जाम की स्थिति निर्मित हो गई। पुलिस ने शवों को अस्पताल पहुंचाने के बाद आवाजाही सुचारू कराई। जिला अस्पताल से मिली जानकारी अनुसार हादसे में 3 वर्षीय हर्षिता पिता राजेश, रुचिला पति अशोक 45 वर्ष निवासी बैसरकुंड की मौत हुई है। मृतक आपस में दादी पोती थी। अपनी पत्नी और पोती की मौत के बाद बदहवास हो चुके अशोक पटेल ने बताया कि वह बैसरकुंड निवासी होकर समीप ग्राम रणगांव गए थे, एक्सल वाहन से लौट रहे थे। इसी दौरान बावड़ी बस स्टैंड पर एक ट्राले ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। अभी दुर्घटना में घायल 2 व्यक्तियों को लाया गया है, जिसमें एक 3 साल की बच्ची है जिसका नाम हर्षिता है और दूसरा रुचिला बाई है जिनकी उम्र करीब 25 साल है। एक्सीडेंट होना बताया गया है और यहाँ पर मेरे द्वारा जांच करने पर मृत पाए गए हैं दोनों के दोनों। कहाँ एक्सीडेंट का मतलब ये बावड़ी बस स्टैंड के आसपास कहीं एक्सीडेंट होना बता रहे हैं। क्या नाम लिखते? डॉक्टर बी एस चौहान। इसमें किसी की मौत भी हुई है क्या? जी, दोनों ही मृतावस्था में ही लाए गए हैं, महिला और बच्चे दोनों। जी, एक्सीडेंट पे बताया परिजनों ने कि ये एक महिला है, महिला का नाम है रुचिला बाई, पति अशोक, उम्र 43 वर्ष, जाति कुलमी पटेल, निवासी बेसरकुंड थाना वलगवाड़ा, और उसके साथ में एक लड़की है हर्षिता, पिता राजेश, उम्र का करीब लगभग 3-4 वर्ष बताया है, जाति कुलमी, बेसरकुंड। ये बेसरकुंड से खरगोन आ रहे थे बावड़ी स्टैंड पे, ये कोई रखोड़ी का कैप्सूल चल रहा है उससे एक्सीडेंट होना बताया है। अभी पीएम रूम में रखवाया गया है, अभी पीएम करा के परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। एएसआई राम नरेश शर्मा, चौकी प्रभारी, जिला अस्पताल खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।